हॉकी के मशहूर खिलाड़ी बाबू केडी सिंह का जनपद बाराबंकी से है गहरा नाता। हॉकी के मशहूर खिलाड़ी बाबू केडी सिंह की कहानी उन्हीं के बेटों की जुबानी। पुण्यतिथि पर याद किए गए हॉकी के मशहूर खिलाड़ी केडी सिंह बाबू। बाबू केडी सिंह जिन्हें की वो शख्सियत जिन्हें किसी भी पहचान की जरूरत नहीं। आज यहाँ पर आप हमारे साथ जिन शख्सियतों को देख रहे हैं ये केडी सिंह बाबू के उन परिवार के सदस्य हैं। आप उनके बड़े बेटे, आप उनके छोटे बेटे हैं। इसके साथ ही जनपद बाराबंकी के वयोवृद्ध पंडित राजनाथ शर्मा जी हैं हमारे साथ, और भी तमाम लोग हैं यहाँ पर। हम आज बात करेंगे, सलाउद्दीन जी हैं हमारे साथ, और सलाउद्दीन जी के बारे में क्या खासियत है ये हम आपको अगली स्टोरी में बहुत जल्दी बताने वाले हैं। चूँकि हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है और केडी सिंह बाबू जी का नाम इसी के लिए लिया जाता है। आज उनके पारिवारिक सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे कुछ बात करेंगे। जी, कुछ ऐसे अनसुने किस्से, कुछ ऐसी कहानियाँ केडी सिंह बाबू के बारे में जो आप हमारे दर्शकों को और जनपद वासियों को साथ साथ पूरे प्रदेश वासियों को बताना चाहते हैं। मैं तो बहुत बचपने से उनके साथ खेल भी सीखा हूँ और साथ में उनके शिकार वगैरह भी जाता रहा हूँ। तो उनका बच्चों के खेल के लिए जो अंदर से इच्छा थी उसको पूर्ण करने के लिए रास्ते में भी अगर स्कूल के बच्चे उनको दिखते थे, बलरामपुर जाते में एक आपको हादसा बताएं कि उन्होंने गाड़ी रोक दी फौरन, कुछ लड़के अपना किताब बस्ता लेके जा रहे थे तो उनको बुला के रोका। उनके साथ उन्होंने कहा ऐसा है कि एक रुमाल हम बांध देते हैं और ऐसे आपको उतनी 10 गज जा करके वहाँ से उसको उठाना है, पहले इतने लकड़ी के ऊपर चक्कर लगाने हैं और जाना है। ही यूज़ टू प्ले विद दी बॉयज़ और वहाँ तक जाके जो लड़का ये रुमाल उठा लेगा चक्कर लगाने के बाद उसको हम उस सस्ते के ज़माने में सब बच्चों को खाने के लिए सबको मिठाई देंगे, इनाम देंगे उसको। फिर उसके बाद जब ये खेल हो गया तो उसमें से एक लड़के बोले तुम किस दर्जे में पढ़ते हो, तो कहने छठे में, कहने तुम्हारे 7वें दर्जे में कोई लड़का है, तो एक ने हाथ उठाया, कहने मैं 7वीं क्लास में, तो तुम्हारे किताब में हिंदी में बेसिक रीडर में एक पाठ है उन्हें खेल और खिलाड़ी, पढ़े उसको, कहने हाँ है, तो ऐसे बोला, वो पहचानता नहीं था कि कौन है। जी जी, कहने हाँ है तो, कहने किताब निकालो अपनी, तो उसमें हमारे पिताजी की फोटोग्राफ थी, उसके साथ में उनका वो लेख था पूरा खेल और खिलाड़ी जो स्कूल में चलता था, बहुत दिनों चला मैं और साथी रखे। हाँ, तो उसको उन्होंने कहा कि ये जो है पढ़े हो क्या, कहने जी पढ़े हैं लेकिन बहुत पहले पढ़ा था, आज याद नहीं, इमाम को उन्होंने सोचा अच्छा सवाल पूछेंगे, कहने ये कौन है, देखा फिर कहने हमारी तरफ देखो, तो वो लड़का एकदम देखा दो बार उसने इधर उधर, कह रहे हाँ ये तो आप आया हो, यू नो, तो दैट काइंड ऑफ ए लव विद चिल्ड्रेन, उनको इनके साथ खेलना खिलाना, वही खेल हॉकी में भी उन्होंने किया बचपन से ही, वो खुद बचपन से हॉकी स्टिक के साथ ही, 3 साल की फोटोग्राफ उनकी। तो बचपन से हम लोगों को भी यहाँ पर हॉकी स्टिक इसी लॉन में हमारी कोठी में सर्वेंट्स के पास ये ताड़ के वो काट लेते थे। जी जी, तो 5-7 सर्वेंट हो जाते थे और 10-12 हम लोग अपने कजिन नजिन सब मिला के इसको टीम रहते थे, टीम तैयार हो जाती थी, टीम तैयार हो जाती थी, इसी पर मैच होता था, तो उसमें वो भी खेल लेते थे कभी कभी, कभी कभी क्रिकेट हो, कभी कुछ हो, हर चीज़ में। तो हर बच्चा यहाँ नहीं, स्पोर्ट्स कॉलेज में जहाँ जहाँ उन्होंने स्पोर्ट्स कॉलेज उन्होंने खोला, हॉस्टल्स खोले, उन बच्चों को भी उतना ही लाड़ दुलार करते थे, स्ट्रिक्ट बहुत थे, बहुत डिसिप्लिनेरियन थे, मतलब वहाँ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, खेल में उस समय कोई कंप्रोमाइज, लेकिन उसके बाद लाड़ दुलार और प्यार इतना करते थे कि हर इंसान ये समझता था कि ये सबसे ज़्यादा हम ही से प्यार करते हैं। हर खिलाड़ी, हर शख्सियत जो उनके कॉन्टैक्ट में आता था, जब भी कोई हमें भी मिले अगर बाहर, कहने साहब वो हमको बहुत मानते थे, तो ये हम महसूस किया करते थे कि जो भी मुझे मिलता है वो कहता है आत्मीयता, मतलब आत्मीयता सबसे थी, लेकिन अनुशासन जो है, लेकिन खेल के, खेल में बगैर डिसिप्लिन के तो खिलाड़ी हो ही नहीं सकता, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल,
अगर आप समय से नहीं आते हो, समय से मेहनत नहीं करते हो, सब कुछ नहीं करते हो, तो वहाँ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं था। जी जी, वहाँ बड़ी सख्ती से काम लेते थे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बात अगर करें तो आप उनके छोटे बेटे हैं और आज तमाम सुख सुविधाएँ मिलती हैं, आज खेलने के लिए तमाम सुख सुविधाएँ हैं, लोगों के पास तमाम जरिए हैं खेलने के लिए। क्या था वो समय जब आप लोग उनके साथ खेलते थे, उनके साथ सीखने का मौका मिलता था? वो समय क्या था जब आप लोग केडी सिंह बाबू जी के साथ उनसे कुछ सीखने का मौका मिलता था? उस समय खेल को खेल की भावना से खेला जाता था और देश के लिए खेला जाता था। आज वो भावना खेल के लिए ख़त्म हो गई है और राष्ट्रीय खेल, जैसा आपने बताया हॉकी, हॉकी के लिए तो किसी की कोई अब इच्छा नहीं रह गई इसको आगे ले जाने की और इसको देश में फिर से बच्चों को ट्रेन करके आगे ले जाने की। बहुत सालों बाद इस बार ओलंपिक में कांस्य पदक मिला है तो शायद कुछ उम्मीद हर हॉकी प्रेमी की जागी है। बट इस प्रदेश से करीब करीब 1100 लोग हमारे फादर के टाइम पे नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स निकले हैं। वो इंडिया में इतना बड़ी संख्या में किसी प्रदेश से हॉकी खिलाड़ी कभी नहीं हुए हैं। एक ज़माने में तो लोग कहते थे कि ये इंडिया की जितनी टॉप मोस्ट टीम्स हैं उसमें नेशनल जब होते थे तो उसमें से करीब करीब आधे से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के लोग खेला करते थे। वो स्थिति थी हॉकी की, स्पोर्ट्स हॉस्टल कॉलेज। अच्छा, उस समय स्पोर्ट्स कोटा में जितनी भी बड़ी एजेंसीज थी, गवर्नमेंट एजेंसीज थी, सब में जो टीम बनती थी नेशनल स्पोर्ट्स जो होते थे हॉकी, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे कस्टम्स हो, चाहे इंडियन एयरलाइंस हो, जितनी भी बड़ी बैंक्स हैं, स्टेट बैंक की टीम हुआ करती थी, दिल्ली पुलिस होती थी, यूपी पुलिस होती थी, पंजाब पुलिस होती थी। उस समय अच्छे खिलाड़ियों को ये लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेते थे। कस्टम्स, रेलवेज़ की 5 टीमें खेला करती थी इंडिया में। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, सदर्न रेलवे, एक और नॉर्दर्न रेलवे, 5 टीमों में आप सोच लीजिए कि उत्तर प्रदेश के कम से कम 5 से 6 लोग, जिनको कि गवर्नमेंट स्टेट लेवल के प्लेयर्स को सेलेक्ट करती थी, सरकारी नौकरियां मिलती थी, और वो लोग उन टीम से खेलते थे। और इंडिया टीम में कम से कम 6 या 7 लोग उत्तर प्रदेश के खेला करते थे एक ज़माने में। बट जैसा आप जानते हैं कि जिस चीज़ को भी इस देश में नेशनल कह दिया जाए उसकी इज्जत तुरंत ख़त्म हो जाती है, चाहे वो नेशनल मॉन्यूमेंट्स हों, चाहे नेशनल गेम हो, चाहे नेशनल एनिमल हो आपका, चाहे नेशनल बर्ड हो। ये आज की ज़माने में इन सब चीज़ों की कोई अहमियत नहीं रह गई और हमें दुख होता है कि आजकल जो युवा लोग हैं अपने देश की इस धरोहर को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देख रहे हैं। जहाँ तक आज के हॉकी की बात है, हॉकी आज की तारीख में किसी की भी फर्स्ट चॉइस नहीं रह गई है। आज की फर्स्ट चॉइस जो है क्रिकेट है। अब फुटबॉल एकदम से बढ़ रहा है, कबड्डी बढ़ रही है। क्रिकेट में तो आपको बुरा मान जाएंगे क्रिकेट वाले, बट आज की तारीख में लाखों बच्चे पूरे हिंदुस्तान में अपने घर द्वार की जमीन जायदाद बेच के कोचिंग कैंप्स ज्वाइन कर रहे हैं कि किसी तरह अच्छा खेलेंगे और पैसा कमाएंगे। आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से इतना खर्चा उस क्रिकेट पे किया जा रहा है, अगर हॉकी के क्षेत्र में इस तरह से किया जाए, जो एक क्रेजीनेस है, जो एक क्रेज़ होता है क्रिकेट का कि हमें क्रिकेट खेलना है, उसी तरीके अगर हॉकी को कुछ मॉडर्नाइज किया जाए तो क्या लगता नहीं कि युवा उसकी तरफ और ज़्यादा आकर्षित होगा? एक फादर हमारे कहा करते थे कि जब हम लोग ग्रास पे खेलते हैं जहाँ पे अनइवन सरफेस होती है, तो जब इस पे हमारी दुनिया में हमें कोई नहीं छू पाता था, तो ये कारपेट जो आपने बिछवाई है इस पे हमें कौन छुएगा? तो कारपेट चाहिए, हमारी जनता को कारपेट चाहिए। बच्चों को 8वीं क्लास से 7वीं क्लास से अगर हॉकी स्कूल कॉलेज में बंद हो गई, किसी स्कूल कॉलेज में क्रिकेट छोड़ के और कोई गेम नहीं होता है, तो ये सुधार समाज का बहुत ज़रूरी है। वक्त आएगा, अपने आप भी सुधरेगा। एक ज़माना है आज की तारीख में जो लोग क्रिकेट विकेट खेल रहे हैं, अब तो बच्चों ने सुसाइड करना शुरू कर दिया बिकॉज वो कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं। जी जी। तो और ना ही हमारे यहाँ की पूंजीपति, हमारी गवर्नमेंट्स कोई इन्वेस्टमेंट कर रही हैं किसी और गेम में सिवाय क्रिकेट और इन सब चीज़ों के। तो वक्त आएगा हॉकी का वापस, हम भी इंतज़ार करेंगे अगर जिंदा रहे तो। यहाँ पर पंडित राजनाथ शर्मा जी हैं और आज केडी सिंह बाबूजी की पुण्यतिथि है। पंडित जी, बाबूजी क्या लगता है आज पुण्यतिथि है केडी सिंह बाबूजी की, कितना प्रासंगिक हैं आज के समय में उनकी बातें? देखिए, ऐसा है कि इस वर्ष 2 फरवरी से उनकी शताब्दी मनाने का काम गांधी क्लब ने बाराबंकी में शुरू किया। उसके पहले जो मीटिंगें हुई उसमें बीबी सिंह जी आए और बातचीत हुई, लेकिन एक बड़ा दुर्भाग्य ये रहा
कि इस पूरे प्रोग्राम को जब 2 फरवरी को शुरू किया गया तो चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई, जब आज शुरू किया जाना था तो साहब मंत्रिमंडल की कल शपथ हो, विभाग लोगों के बंटने, वैसे तो मंत्रियों की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये तो लोकतंत्र में एक ऐसी परिपाटी पड़ गई है कि जैसे बारात में ज़्यादा हाथी हों तो बड़े आदमी की बारात मानी जाती है, वैसे ये मंत्री अगर कहीं ज़्यादा आ जाएं तो माना जाता है कि भाई किसी बड़े आदमी के सिलसिले में कार्यक्रम हो रहा था। बाबू साहब के लिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, बाबू साहब के लिए तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं थी कि उनकी जो प्रसांगता थी जो बाराबंकी से शुरू की जानी थी वो शुरू नहीं हो पाई। मैं लखनऊ दिल्ली में हर साल एक धरने पर बैठता हूँ और वो धरना इसलिए है कि ध्यानचंद जो हैं उनके लिए भारत रत्न दिया जाए, तो उनका लड़का आता है, वो शामिल होता है, फिर वो आंदोलन चलता है, फिर मध्य प्रदेश के 300-400 लोग इकट्ठा होते हैं। बाबूजी ऐसा नहीं लगता है कि जो वास्तविक चीज़ें होती हैं जो मिलनी चाहिए उसके लिए आंदोलन करना पड़ता है, जो बिल्कुल हक होता है, जो हक हुकूक के लिए जो आंदोलन करना पड़ता है, ये कहाँ तक सही है? देखिए ऐसा है कि जब खेल के प्रति जो लोग मंत्री हो रहे हैं उनकी कोई रुचि नहीं, उनकी रुचि तो इस बात से है वे चुनाव कैसे जीत लिया जाए, विधायक कैसे हो जाए, फिर उसके बाद जुगाड़ सेट करें, मिनिस्टर कैसे हो जाए, कि ये खेल बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। डॉक्टर लोहिया वाहिद आदमी थे जिन्होंने कहा कि क्रिकेट का खेल और अंग्रेजी भाषा, इन दो चीज़ों का समुचित विरोध होना चाहिए। तो इसलिए कि जब जैसे कबड्डी है, क्रिकेट है, ये कबड्डी है, जो ऐसे खेल हैं जिन पर पैसा न लगाना पड़े, समझे आप, जिन पर पैसा न लगाना पड़े और साधारण आदमी खेले, वो है कबड्डी, खो खो। अब बाबू साहब जैसे बहुत हॉकी की उनकी बड़ी शोहरत है, कोई ये बताते नहीं कि वो गुल्ली डंडा कितना अच्छा खेलते थे, वो तमाम लोगों को इकट्ठा करते थे, फुटबॉल कैप्टन हुआ करते थे, और क्रिकेट में शीश महल में उनकी 4 सेंचुरीज थी, और क्रिकेट में वो नेशनल प्लेयर्स को जब साल में कोचिंग कैंप्स लगते थे तो बड़े से बड़ा क्रिकेटर जो इंडिया का है वो आता था और वो खाली एब्डोमिनल गार्ड और ग्लव्स पहन के हॉकी स्टिक से उनके साथ क्रिकेट खेलते थे और नेशनल लेवल का कोई बॉलर उनको आज तक कभी बीट नहीं कर पाया था। देखिए काफ़ी बड़ी बातें यहाँ पर निकल कर आई हैं और इन्हीं सब के बीच में हमारे साथ यहाँ सलाउद्दीन जी मौजूद हैं और सलाउद्दीन जी के बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये उन जिंदा दिल इंसान में से हैं जो अपने पेंशन से, यानी कि जो जिस विभाग में नौकरी करते थे वहाँ पर जो इनको पेंशन मिलती थी, आज भी उस पेंशन से बच्चों को हॉकी के प्रति उनको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, उनको और जागरूक करने के लिए बच्चों को हॉकी का खेल खिलाते हैं, उन्हें हॉकी के छोटे छोटे गुर सिखाते हैं। सलाउद्दीन जी क्या लगता है कि वर्तमान समय में जिस तरह से आप बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं इससे आने वाले भविष्य में बच्चों के लिए कितना अच्छा रहेगा? बच्चों के लिए अच्छा रहेगा, सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम बच्चे डिसिप्लिन में रहेंगे। हम ये नहीं कहते हैं लड़के इंडिया खेलेंगे, लेकिन कम से कम फिजिकली फिट होंगे और डिसिप्लिन आएगी, कैसे रहा जाता है, अच्छे नेशनलिस्ट होंगे, इन सब को ध्यान में रखते हुए फिजिकली फिट होंगे, इसको ध्यान में रख के हम लोग हॉकी खिलाते हैं बच्चों को, उनको फैसिलिटीज़ जो हम लोगों के लेवल से हो सकती है वो हम लोग करते हैं। हालांकि इसकी जिम्मेदारी स्कूल कॉलेजेस की है, स्कूल कॉलेजेस में फैसिलिटीज़ नहीं है, ग्राउंड नहीं है किसी कॉलेज के पास, जो जहाँ से जो नर्सरी होनी चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चे निकलते थे पहले, हर डिस्ट्रिक्ट में लड़के खेलते थे, जो और जो खिलाड़ी लड़के होते थे कॉलेज के वो हर खेल खेलते थे, किसी में बहुत एक्सीलेंट होते थे वो उस तरफ चले जाते थे, कोई हॉकी का अच्छा खिलाड़ी होता था हॉकी खेलता था, कोई अच्छा एथलीट होता था, किसी को नहीं मालूम होगा बाराबंकी में एक बहुत बड़े एथलीट हुए हैं जिनका नाम था योगेंद्र सिंह, उन्होंने लाभ सिंह साहब का रिकॉर्ड तोड़ा था, शुगर मिल के में रहते थे, गवर्नमेंट कॉलेज बाराबंकी के पढ़े हुए थे और डायरेक्टर जनरल मेडिकल आर्मी में वो एज ए चीफ उसके रिटायर हुए थे, लेकिन आज कोई पूछे उस खिलाड़ी का नाम बाराबंकी में लोग नहीं जानते होंगे। तो पुराने खिलाड़ियों को जानना ज़रूरी है इस वजह से कि नए जनरेशन को मालूम हो कि इस खिलाड़ी ने जो तरक्की की थी कैसे तरक्की की थी, उनकी जीवनी के बारे में जानना चाहिए। जैसे बाबू साहब का एक लेसन हुआ करता था, उसको हटा दिया गया है, वो फिर से जुड़ना चाहिए, जो बड़े खिलाड़ी अभी नहीं जुड़ा, फिर जोड़ा होगा, अभी जोड़ा गया है लेकिन उसमें जो है वो फोटो नहीं है, अभी ये अवस्थी है जो दैनिक जागरण वाला, ये आज आया नहीं, वो हमसे परसों से कह रहा, तो हमने उससे कहा कि भाई एजुकेशन डायरेक्टर हमारे वहाँ रहे हैं, एडीएम, सीडीओ,
तो हमने कहा कि उस किताब को आप हम दीजिए तो हम जो नया संस्करण छपेगा उसमें फोटो जुड़वा देंगे। सलाउद्दीन जी, वर्तमान समय की अगर बात करें तो खेल भावना में जिस तरह से एक प्रतिस्पर्धा की भावना आती जा रही है और ये प्रतिस्पर्धा की भावना कहीं ना कहीं एग्रेसिव होती जा रही है लोगों में, एक अधिकार बनता जा रहा है कि हमें जीतना ही है चाहे जैसे, क्या लगता है कि खेल में इस तरह की प्रतिस्पर्धा की भावना उचित है? बिल्कुल उचित है, लेकिन फेयर होना चाहिए, पैमाने से नहीं। अपने स्किल से आप जीतिए, अपनी मेहनत से आप इतने अच्छे हो जाइए कि आप दूसरी टीम को हराइए, बेईमानी से नहीं कि किसी फाउल मीन से आप उसको हरा दें। उसमें किसी अच्छे खिलाड़ी को मज़ा नहीं आएगा कि बेईमानी से गोल किसी अंपायर ने फेवर कर दिया या किसी वजह से आप जीत गए बेईमानी से, उसमें मज़ा नहीं आता है खिलाड़ी को। जो सच्चा खिलाड़ी है उसे बिल्कुल जो सही जीत होती है उसी में मज़ा आता है। अच्छा, आप बच्चों को कच्चे घड़े की तरह तैयार कर रहे हैं, क्या कुछ समस्याएं भी आती हैं हॉकी में सिखाने में? जैसे बच्चों को सिखा रहे हैं कुछ समस्याएं भी आती हैं? बिल्कुल समस्याएं आती हैं, जैसे हम देखते हैं बच्चे छोटे बच्चे हैं, गरीब घरों के बच्चे हैं, उनके पास किसी के पास जूता नहीं है, जूता फटा देखते हैं तो हमें तकलीफ़ होती है कि भाई जूता इसके पास होना चाहिए। वो बच्चा भी एक जो मजबूत जूता पहने हुए है लड़का, उसको देखता है तो उसमें हीन भावना पैदा होती है कि इसके पास इसके गार्जियन ने ये अच्छा जूता लेकर दिया है, हमारे पास फटा जूता है, तो ये भावना तो होती है। हमारी कोशिश रहती है कि भाई बच्चों में ये भावना न रहे। लोग हमको मदद भी करते हैं, जूते भी लोग देते हैं, जर्सी भी देते हैं, ट्रैक सूट भी देते हैं, तमाम लोग चुपचाप देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अकेले करते हैं, हमारे साथ जो लोग समझते हैं हमारी ज़रूरत को वो हमको इस तरह की मदद देते हैं। और जिस कैंप में जो हमारा सुबह की प्रैक्टिस चलती है, लोग आते हैं और वॉलंटरी आते हैं और आकर के बच्चों के रिक्रूटमेंट के लिए वहाँ खुद ही मंगाते हैं। हमने कहा है आप हमको मत दीजिए पैसे, आप यहीं बच्चों को जो भी खिलाना है बच्चों को यहीं मंगा के खिला दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो भी दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं, हम उनको बताना चाहेंगे कि आज हमने ज़िले की शख्सियत केडी सिंह बाबू जी के बारे में कुछ बात की, उनके पारिवारिक सदस्य ज़िले के वरिष्ठ समाजसेवी सलाउद्दीन जी लोग मौजूद रहे, और तमाम जो बातें निकल कर आईं उनमें सबसे बड़ी बात एक निकल कर आई कि खेल में वैसे तो प्रतिस्पर्धा की भावना होनी चाहिए लेकिन वो कहीं ना कहीं फेयर होनी चाहिए। खेलों में प्रतिस्पर्धा की बात हो ही रही थी तो यहाँ पर आप कुछ कहना चाह रहे थे प्रतिस्पर्धा के संबंध में, अब जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? कोई भी खेल, जब जैसे ओलंपिक्स है, आज की तारीख में लोग ये भूल गए हैं कि ओलंपिक्स क्यों होते हैं। ओलंपिक्स सिर्फ ये होता है कि देश विदेश जितनी भी टीमें हैं वर्ल्ड की वो फिजिकल वॉर ना लड़ें, उनके खिलाड़ी आके मैदान में एक दूसरे से लड़ें और वो सुप्रीमेसी के लिए जो जीत के लिए लड़ाई होती है उसकी शांति वहीं हो, जो जीतने लायक है वो वहाँ जीते, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ जीते। ओलंपिक्स में जब कसम दिलाई जाती है तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए दिलाई जाती है। जो भी छोटी से छोटी कंट्री की टीम, बड़े से बड़ी कंट्री की टीम जब आती है तो जीतने के लिए ही ओलंपिक में आती है, हारने के लिए कोई नहीं आती है, सब कोशिश करते हैं जीतने की। और जैसा सलाउद्दीन साहब ने कहा, कभी कोई भी गलत काम करके किसी के साथ कोई टेढ़ा मेढ़ा बेईमानी चोरी करके, स्पोर्ट्स नहीं होते थे, बाकी चीज़ों में तो ये सब अब जायज़ हो गया है, स्पोर्ट्स में अभी भी बेईमानी अच्छी नहीं समझी जाती है। जैसे क्रिकेट में आपने कितने केसेस सुने, कितने लोग ऐसे हैं जिनको कंट्रीज ने अपनी टीम से निकाल दिया, कुछ लोग जो है बॉल में वैसलीन लगाते थे, किसी ने कुछ किया ना, यानी कितने तरह की बेईमानियाँ, मैच फिक्सिंग हुई, दुनिया भर में सट्टेबाजी हो गई। तो स्पोर्ट्स को ख़त्म करने के लिए तो हम ही लोग जिम्मेदार हैं। हमने स्पोर्ट्स की जो अहमियत थी, एक दूसरे की इज्जत करना, चाहे जितनी लड़ाई हो हमारी मैदान में, हम लोग दोनों टीमें एक दूसरे को ढाई घंटा डेढ़ घंटा जम के हम लोग की मार होती थी, मैच होता था, बट उसके बाद तो शाम को सब दोस्त होते थे, कौन जीता कौन हारा किसी को याद ही नहीं रहता था। तो स्पोर्ट्स ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें जीत हार का मज़ा लिया जाता है, हारने वाला भी उतना इंटरेस्ट लेता है, और उसके बाद जब ख़त्म हो गया तो ताल्लुकात वापस। वीडियो के अंतिम पड़ाव में हम केडी सिंह जी के बड़े बेटे से उनसे कुछ और बात करेंगे और जानेंगे क्या उनका विचार है, क्या वो अपने विचार हमारे सामने रखना चाहते हैं। जी साहब, के फादर ने जो हॉकी को दिया अपने खेल द्वारा, कंट्री के लिए जो कुछ किया, उसके अलावा जो उनकी मेन अचीवमेंट्स हैं वो हैं कि उन्होंने कंट्री में खिलाड़ी पैदा किए, जो खिलाड़ी पैदा किए उनकी जीवनी के लिए उनको नौकरियां दिलवाई। कोई भी खिलाड़ी दुनिया में ऐसा नहीं है जिसने कि खेल में इतना बच्चों के लिए किया हो, मेरे हिसाब से, कि उनको ट्रेनिंग करने के बाद
सिखाने के बाद जहाँ जहाँ रिकमेंड करते थे एक लाइन लिख देते थे कि अपकमिंग और अच्छा टैलेंटेड लड़का है, प्लीज़ सी टू इट कि अगर आपके वहाँ जगह है तो उसको आप नौकरी दें। इस तरह से गरीब आदमियों जितनी हेल्प उन्होंने की, आई डोंट थिंक देर इज एनी बडी इन इंडिया और मे बी एब्रॉड कि जिसने इतना किया। मतलब मैं छोटी मोटी गिनती नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, 50,000 आदमी इतना किया, मोर देन 50,000 पीपल जो है स्पोर्ट्स के कोटा से पूरी कंट्री में खेलते थे। उनके लिए हॉकी वॉज नॉट दी प्रायोरिटी ओनली, किसी भी खिलाड़ी को जिसने स्टेट खेली उसको एक रिस्पेक्टेबल नौकरी मिलनी चाहिए, ये वो इंश्योर करते थे। गवर्नमेंट के कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जिसमें उन्होंने स्पोर्ट्स का कोटा ना करा दिया हो। बड़े से बड़े खिलाड़ी जिनको पेंशन नहीं मिलती थी, नाम नहीं लूँगा, जिनके घर में उनके बच्चे उनको पूछते नहीं थे, उनको स्टेट गवर्नमेंट से 5,000-8,000 रुपये महीने की, 10,000 रुपये महीने की पेंशन दिलवाई। कोई भी स्पोर्ट्समैन कितना बुजुर्ग हो बीमार हो सबका इलाज गवर्नमेंट से कह के पूरे इंडिया में फ्री होता था। कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं था जिसके लिए उन्होंने कुछ, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई बीमार है, गरीबी में परेशान है, शरीर से ठंड में अपने शरीर से उतार के महंगे से महंगा कपड़ा लोगों को, गरीबों को दे दिया। एक इसमें बहुत अच्छा इंसिडेंट है, हम बताना जरूर चाहेंगे। मैं बताऊँ, आप बताएंगे? नहीं, एक अहद हुसैन साहब टेनिस के खिलाड़ी थे, बाराबंकी के, वो इंडिया नंबर वन टेनिस खिलाड़ी थे इंडिया के, बड़े गांव में गदिया में उनका घर था। लेकिन उनको एक लत लग गई थी शराब वराब के बाद भी, जो कि परिवार से अलग हो गए थे, कोई नहीं रहा, सब कुछ जो भी रीजंस रहे हों, तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी। तो हम अपने फादर के साथ एक दफ़े वहीं गए थे, वहाँ पर एक रहमतुल्ला साहब थे जो हमारे फादर के फिशिंग का साथ में इक्विपमेंट वगैरह सब चीज़ ठीक ठाक करते थे, साइकिल की दुकान थी उनकी, मैकेनिक थे। तो हमारे फादर ने गाड़ी खड़ी की और उनको बुलवाया। इन द मीन टाइम उनकी ऐसी निगाहें थी कुछ कि 500 गज पर दूर पर बाग में उन्होंने देखा कोई आदमी कुछ ज़मीन से चुन रहा है। और उन्होंने गौर से किया, थोड़ा सा मेड़ पर चल के गए और हमसे बोले कि तुम एक मिनट देखना, वो आए तो उनको रोक लेना, हम आते। मेड़ में चले गए बाग में, तो वहाँ जब गए तो उन्होंने देखा कि अहद हुसैन साहब एक कैटल लिए हुए, उसमें दूध कहीं से मांग के लाए थे, शक्कर कहीं से मांग के लाए थे, और ईंटा रख करके लकड़ियाँ बाग से बटोर के उसको जला के चाय बनाने के लिए अपनी तैयारी कर रहे थे। हमारे फादर ने उनको पहचान लिया। जब उनसे बात की हमारे फादर ने, तो ही स्पोक इन फ्लुएंट इंग्लिश लैंग्वेज। फादर ने उनसे कहा, आज साहब आप ये कैसे? कहने कुछ नहीं, मैं चाय बनाने के मैं अपनी वो कर रहा हूँ। उस दिन मेरे फादर उनको अपने साथ गाड़ी में बिठा के गांव से, कहने किसी को बताना आपको कुछ करना है, इन्फॉर्मेशन करवा के जहाँ कहने, और उनको अपने साथ ला के स्टेडियम में एक रूम में वहाँ ठहराया, और जहाँ बच्चों का खाने का सब कुछ होता था जो हमारे ट्रेनीज थे हॉस्टल के, कहने यहाँ पर आज साहब को नाश्ता खाना सब चीज़ें इनको दी जाएगी, इसका पेमेंट मैं अपने पास से करूँगा अलग से। उनके देख रेख की उसके बाद महीने दो महीने, उसी वजह से उन्होंने वो स्कीम जो है गवर्नमेंट को बना के फौरन भेजी कि जितना भी हमारा पुराना खिलाड़ी है, गरीब है, जो इस हालत में है कि वो खा पी भी नहीं सकता है, उसको कम से कम नेशनल ओलंपिक लेवल, इंटरनेशनल लेवल, स्टेट लेवल, इस तरह से करके उनकी सारी पेंशन, उसमें ध्यानचंद जी को भी उन्होंने पेंशन दिलवाई, अहद हुसैन साहब को दिलवाई, और बहुत से बाद में स्टेट लेवल सबके खिलाड़ी हैं जिनको कि आज भी पेंशन मिल रही है और उससे वो अपने जीविका चला रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वो तमाम आज की बातें थी जो हम भी उस सौभाग्यशाली क्षण के आज साक्षी बने हैं जब हमें ऐसी जानकारी केडी सिंह बाबूजी के बारे में निकल कर आई। और हम अपने तमाम दर्शकों को जो इस वक्त देख रहे हैं और जिनको ये बातें पहली बार मालूम पड़ी हैं, हम उनसे चाहेंगे कि जनपद के गौरव कहे जाने वाले केडी सिंह बाबू की ऐसी बातों को और लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें। जो एक सार निकल कर आया वो ये निकल कर आया कि केडी सिंह बाबूजी न सिर्फ खेल खेलते थे बल्कि खेल भावना के विकास के लिए भी वो प्रतिबद्ध थे। इसके साथ ही उन्होंने तमाम खिलाड़ियों की, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के खिलाड़ी रहें, उनको आगे बढ़ाने और उनकी मुश्किलों को आसान करने का लगातार प्रयास किया है। जनपद बाराबंकी से द कैमरा 1999 के लिए सरदार परमजीत सिंह के साथ नीतीश मिश्रा।